नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में बीते 24 घंटे में 12,213 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 58,215 एक्टिव केस हो गए हैं, जो कि कुल मामलों का करीब 0.13% है। रिकवरी रेट राहत देने वाली है। देश में फिलहाल 98.65% की दर से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि इसमें भी हाल के दिनों में कमी देखी गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कुल 7,624 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। सेना में भर्ती के लिए सरकार की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ स्कीम का तीव्र विरोध देश के राज्यों में शुरू हो गया है। मंगलवार को इस स्कीम का ऐलान किया गया था और बुधवार सुबह ही बिहार के कई जिलों में छात्रों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यही नहीं, गुरुवार को भी एक बार फिर से मुंगेर, कैमूर, सहरसा, छपरा समेत कई जिलों में छात्र विरोध के लिए उतरे थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बाद कांग्रेस लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है। पूछताछ किए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं तेलंगाना में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष ने मछली पकड़ने में सब्सिडी के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने संबंध में WTO के प्रस्तावित मसौदे को भी खारिज कर दिया है। गोयल ने छोटे बेड़े का हवाला दिया है और कहा है कि बड़े स्तर पर मछली पकड़ने वाले अन्य देश की तरह भारत संसाधनों का दोहन नहीं करता है। साथ ही उन्होंने भारत के मुकाबले अलग अलग देशों में सब्सिडी भी और असमानता पर भी सवाल उठाए हैं। आखिरकार धीरे धीरे मॉनसून दस्तक दे रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश के चलते भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बारिश के बाद दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके अलावा आसपास के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश की खबर आई है। केरल सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 9 और समुदाय को शामिल करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुरुकल, गुरुकल और चिट्टे टीआर, हिंदी चेटी, पापड़ा चेटी, कुमार क्षत्रिय, पुलुवा गोंडर, बेटुवा गोंडर, पड़ायाची गोंडर और क्वालिया गोंडर को राज्य की OBC सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर अटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो के रक्षा मंत्री बुधवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने और स्वीडन एवं फिनलैंड के संगठन में शामिल होने पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दी है। स्पेन के मैड्रिड में नाटो नेताओं के सम्मेलन से करीब 2 हफ्ते पहले ये बैठक हो रही है और ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पश्चिम से उसे और भारी हथियार देने का आग्रह कर रहा है ताकि वो पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमले को रोक सके। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर कोई फैसला आज नहीं हो सका है। ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शरद पवार से कैंडिडेट बनने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले भी कई बार इनकार वो कर चुके थे। अब नए नाम पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह एक बार फिर से विपक्षी दलों की दिल्ली में मीटिंग होगी। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि शरद पवार ने साफ कहा है कि मैं अभी सक्रिय राजनीति में हूं और राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहता। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष के विचार जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई विपक्षी नेताओं से बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने आज विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले विपक्षी नेता ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों पर उनके विचार जानने की बात की है। केंद्र सरकार के युवाओं की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सुबह बक्सर में हजारों छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने शहर के ज्योति चौक स्टेशन रोड को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्पकालिक अवधि के लिए संविदा नियुक्ति के आधार पर सेनाओं में युवाओं को भर्ती की केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा है कि इससे युवाओं में और ज्यादा अधिक असंतोष पनपेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे एक पत्र में गांधी ने मांग की है कि सरकार इस योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने लाए और अपना पक्ष साफ करे। हवाई सफर जल्द ही और महंगा हो सकता है। निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और रुपए की गिरती हुई कीमत पर चिंता जताते हुए इसके संकेत दिए हैं। दरअसल तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को विमानन टरबाइन ईंधन में 16.3% की बढ़ोतरी की है। कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि 10-15% किराया बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र द्वारा नए सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के एक दिन बाद 4 भाजपा शासित राज्यों ने घोषणा की है कि वो पुलिस और संबंध नौकरियों के साथ साथ कुछ राज्य योजनाओं में 4 साल की अग्निपथ सेवा से मुक्त कैडेट को प्राथमिकता देंगे। युवाओं को नए कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें राज्य की योजनाओं में प्राथमिकता देगी। नई योजना के तहत जो योद्धा की आयु प्रोफाइल को कम करने और तकनीकी रूप से कुशल बल बनाने का प्रयास है।
यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वो विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन कथित अनधिकृत संरचनाओं के विध्वंस के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 देशों के प्रभावशाली समूह के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में गुरुवार को कहा है कि भारत एक मजबूत एकजुट समृद्ध आसियान का समर्थन करता है, जिसकी हिंद प्रशांत में केंद्रीयता को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। जयशंकर ने 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़े भारत और आसियान विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल लॉन्च कर दी गई है। पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु आसानी से श्रीनगर से पंचतरणी तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं और एक ही दिन में पवित्र यात्रा पूरी तरह कर सकते हैं। नई एयरलाइन अकासा एयर ने गुरुवार को अमेरिका के सिएटल में बोइंग से पहले 737 मैक्स विमानों की डिलीवरी ली है। अकासा ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। भारतीय विमानन नियामक DGCA द्वारा मैक्स विमानों को हरी झंडी देने के 3 महीने बाद अकासा एयर ने पिछले साल 26 नवंबर को बोइंग के साथ 72 मैक्स विमान खरीदने का समझौता किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार 81 वर्षीय फाउची ने कोरोना वैक्सीन की 2 बूस्टर डोज ले ली थी, इसके बावजूद भी वो कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें कोविड के हल्के लक्षण है। हालांकि राहत की बात यह है कि फाउची हाल के समय में राष्ट्रपति जो बाइडेन या किसी अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के संपर्क में नहीं आए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्ववर्ती इमरान खान की पत्नी अपने पतियों से ज्यादा अमीर है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास 30 जून 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए दायर संपत्ति के बयान के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 लाख पाकिस्तानी रुपए की 4 बकरियां हैं। डॉन अखबार ने गुरुवार को बताया है कि उनके पास 6 संपत्तियां हैं और भी विरासत में मिली संपत्तियां भी है। कोरोना महामारी की रोकथाम में ICMR के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर अमेरिका $122 मिलियन की आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका ने आगामी महामारियों को रोकने, बीमारी के खतरों को जल्द पता लगाने और त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शीर्ष भारत के 3 चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सम्राट पृथ्वीराज देखी। इस दौरान सीएम योगी पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार की एक्टिंग और फिल्म की तारीफ करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की तरफ से सिख समुदाय के बारे में कथित तौर पर मजाक किए जाने को लेकर बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। आयोग का कहना है कि किरण बेदी की टिप्पणी से सिख समुदाय की धार्मिक भावना आहत हुई है। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है और इसके आधार पर कदम उठाया जाएगा। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले दिन बुधवार को 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। हालांकि इनमें से एक का पर्चा उचित दस्तावेजों के अभाव में खारिज कर दिया गया। नामांकन प्रक्रिया बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हुई, जो 29 जून तक चलेगी। रक्षा मंत्रालय की नई अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के करियर की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ऐसे रक्षा कर्मियों के लिए कौशल आधारित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा, जो रक्षा प्रतिष्ठानों में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक प्राइवेट बैंक के ATM से 5 गुना ज्यादा रुपए निकालने की खबर सामने आई है। चौंकाने वाली ये घटना तब सामने आई जब 500 रुपए निकालने गए एक व्यक्ति को ATM से 2500 रुपए मिले। 5 गुना ज्यादा रुपए पाकर व्यक्ति चौंक गया और उसने दोबारा रुपए निकालने की कोशिश की, जिसमें उसे फिर से 500 की जगह 2500 रुपए मिले। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ट्रैवल टूरिज्म यात्रा एवं पर्यटन का क्षेत्र सबसे बेहतर माना जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार भी है। विश्व पर्यटन संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया आने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग 50% पर्यटन भारत आते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। JioBP ने बुधवार को फूड डिलीवरी पार्टनर कंपनी Zomato के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस तहत Zomato के इलेक्ट्रिक वाहनों को उसके लिए JioBP मोबिलिटी सर्विस देगा। साथ ही Zomato के सभी इलेक्ट्रिक वाहन JioBP पल्स ब्रांडेड बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का लाभ उठा पाएंगे। इस साझेदारी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक वाहनों का लाभ उठाना है।
संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की घटनाओं में वृद्धि होने की आशंका जताई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में से 2019 के बीच 1 अरब से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। सूखे से प्रभावित होने वाले देश में सबसे अधिक अल्प विकसित है और विकासशील देश शामिल है और उनसे भी सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं और लड़कियां हैं। ये पृथ्वी जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी प्रमुख समस्याओं से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो फिर ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जिसका दावा हाल ही में वैज्ञानिकों ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से धर्मशाला में 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी तीसरी बार धर्मशाला आ रहे हैं। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोग गर्मजोशी से उनका स्वागत करते देखे गए। पीएम मोदी रोड शो के बाद सीधे एचपीसीए के इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, मंटू कुमार, MKY13 भाई, मनीष कुमार, नौशाद शेख, दिव्यांशु सिंह, नीरज कुमार, राजू कुमार, सुजीत कुमार, बैद्यनाथ ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास कोरोना से बचाव को लेकर लोग नियमों का पालन करना शुरू कर चुके हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।